दुनिया के कितने भी अच्छे कोचिंग में पढ़ लो और कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो एंड में काम क्या आता है तुम्हारा नोट्स अब इंपॉर्टेंट यह होता है कि तुम जो भी नोट्स बना रहे हो अगर वो नोट्स तुम्हारा अच्छा नहीं होता है तो फिर कुछ काम नहीं आने वाला है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो क्या तरीके थे जिसको कि मैं फॉलो करता था नोट्स बनाने के टाइम जिसके कारण मेरा एग्जाम क्लियर हुआ मेरा मेंस, मेरा एडवांस क्लियर हुआ कारण मैं आई फॉलो करते थे अपने टाइम पे नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने जितने पॉइंट बचा उसमें अगर तुम एक भी पॉइंट को छोड़ते हो तो तुम्हारे नोट्स बनाने का प्रोसेस है ना थोड़ा ढीला सा हो जाएगा ऑल्सो दिस वीडियो हैज ब्रॉट टू यू फीलो फीलो क्या है इसके बारे में हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वन राइट एवरीथिंग मास्टर नोट्स क्लास में जो भी चीज है तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बोली है तुम्हारे मास्टर नोट्स में वो सारी चीजें रहेंगी ये मैं आईआईटी में भी फॉलो करता था जब मैं कोचिंग कर रहा था तो भी फॉलो करता था इसमें करता क्या था कि टीचर ने जितनी सारी चीजें बोली एक एक चीज बारीक बारीक चीज जो वो बोर्ड पे लिख रहे हैं जो बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं जो, है, जो वो मुंह से बोल रहे हैं जो की शायद सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो सब मैं लिखता था अब तुम बोलोगे सिलेबस का पार्ट नहीं तो क्यों लिख रहे होता ही है ना कि जब तुम क्लास में बैठे रहते हो ठीक है एंड टीचर तुमको पढ़ा रहे होते हैं तो दो टाइप के बच्चे होते हैं पहले टाइप के होते हैं जो कि कुछ नहीं लिखते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यह आती है जो कि मैंने फेस, करी है, जो कि बहुत लोग फेस करते है, वो है कि टीचर को सुनना तो शुरू करते हैं उनका दिमाग चले आता उस अच्छा है उसका याद आ रहा है यहां चले बट जब टीचर तुमको जो भी बोल रहे होते हैं उसको तुम ऑन द स्पॉट लिखते रहते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ऑन उसी चीज पे सर बोल रहा है लिखना भी है और साथ में एक्ट समझना भी है सुनना भी और कुछ डाउट आता है ऑन द स्पॉट पूछना भी है तो पहला चीज तो कि क्लास में तुम्हारा फोकस बना रहेगा और दूसरा फायदा कि तुम्हारा वो रिविजन का पूरा मटेरियल है अभी से तीन महीने के बाद चार महीने का बाद एग्जाम आएगा तो क्या तुम टीचर के पास जाओगे फिर से पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं बट तुम्हारे पास जब पूरा नोट एक्जैक्टली लिखा होगा टीचर ने क्या क्या बोला था तो जरा भी डाउट होता तुम्हें किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें टीचर पास जाने की जरूरत नहीं है तुम पूरा पूरा नोट्स का एक एक लाइन पढ़ सकते हो एंड वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो ये होगा मास्टर नोट्स लेवल वन नोट जिसमें कि तुम्हारा सब कुछ लिखा होगा मेनी ऑफ द टाइम्स तुमको मास्टर नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम लेवल टू नोट्स और लेवल थ्री नोट्स को भी पढ़ रहे हो अब वो क्या है उसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर टू है कि कितने नोट रखे भाई ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैं कितना नोट बनाऊ रफ करूं फेयर करूं क्या करूं इन सब चीजों का तो पहले ही मैं बताता कि तुमको रफ फेयर का तो रखना नहीं है ठीक है ये जो फालतू होती ना कि क्लास में पहले लिखेंगे फिर घर पे आके फिर से लिखेंगे बचपन तक ठीक था आई टी लिए सब चीजें नहीं चलेगी तो यहाँ पे तुमको बेसिकली ये करना है कि तुमको तीन नोटबुक्स बनाने पहला होगा मास्टर नोट जो की होगा क्लास रनिंग नोट्स क्लास में जो भी सर पर आ रहे हैं तुमको वही लिखना जो कि मैंने पॉइंट नंबर वन में बताया दूसरा तुम्हारा नोटबुक होगा जिसमें कि तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट फॉर्मलास लिखोगे जो कि तुम तब लिखोगे जब तुम एक्चुअली उस नोट्स को गो थ्रू कर रहे हो या फिर तुम

थर्ड नोट वाले कॉपी में अच्छे से कर लो ताकि जब तुमको रिविजन करना होगा अच्छे क्वेश्चन से पहले तुम थर्ड वाले नोट्स को रिफर करोगे तो ये तीन नोट्स तो तुम्हारे होने ही चाहिए इसके साथ साथ कुछ और होते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए एक अलग चीज बनाते हैं जिसमें सिर्फ लिखते वगैरह वगैरह उसको अलग से डिस्कस करते हैं बट मेनली तुम्हारा तीन नोट्स होगा ये अब यहाँ पे इन नोट को ना सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री का एक्जाम्पल तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल होता है तुमको ऑर्गेनिक के लिए तीन अलग नोटबुक बनाना होगा फिजिकल के लिए तीन अलग नोटबुक बनाना होगा और साथ में इनऑर्गेनिक के लिए तीन अलग नोटबुक बनाना होगा ये नहीं की पूरा केमिस्ट्री का एक दो तीन कर रहे है। टोटल नौ बनेगी केमिस्ट्री की कॉपी खत्म होगी तो नया भी खरीदना पड़ेगा तो अच्छे से बनाना नोट तुम्हारा खजाना है कितने चाहिए होंगे टेक्निकली फिजिक्स के लिए जनरली चिल होता है तुम ऐसा कर सकते हो बुक वन के लिए तीन नोटबुक्स एंड बुक टू के लिए तीन नोटबुक्स तो अपने हिसाब से देखना कुछ लोग ऐसा भी करते मॉडर्न फिजिक्स के लिए अलग तीन बना लेते हैं तो तुम देख लो कि तुमको क्या सही लगता है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है आई थिंक लड़कियां बहुत से करती है बचपन से ही वह अलग अलग कलर का पेन यूज करना जब भी तुम नोट्स बना रहे होते हो ना या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते बुक में तो फॉर श्योर तुमको ऐसे कुछ सेगमेंट्स मिलते होंगे जो कि तुमको लगते होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे काम आने वाले ऐसे सेगमेंट्स जो कि तुम शायद भूल जाओगे तो उन सेगमेंट्स को ना तुमको हाईलाइट करना होता है अलग अलग कलर के पेन से अलग अलग टाइप के डिजाइन से फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करा अपने कोचिंग के मेटीरियल है रियलाइज की वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम से डेफिनेटली आ सकता है मुझे उसको बनाने में टाइम लगा था तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं फिर से रिविजन करूंगा इस चैटर का तो उस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली ट्राई बनाने का मैं उसमें तीन स्टार डालता था एंड जनरली जो डिस इनफ क्वेश्चन होता था उसमें एक स्टार मतलब हाँ ठीक है अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं कि तीन स्टार डिजर्व और जो बिल्कुल फालत क्वेश्चन मतलब एक बार में बन गया था कुछ नहीं मारता था स्टार वगैरह सिमिलरली नोट्स में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है के उनको हाईलाइट कर दो अपने अलग टाइप के कलर से ताकि तुमको पता रहे कि जब रिविजन करना है तो किसके पास जाना है किसको कितना टाइम देना है ये नहीं की फालतू एकदम रिविजन करने के लिए बैठे है तो दुनिया जहान का पैकेज बना रहा है इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की मान लो कि तुमने एक नोट्स बना लिया एंड नोट्स बनाने के बाद तुम रिविजन कर रहे हो

वहा चिपका दो तो चैप्टर के नोट्स में छोटा छोटा खोएगा भी नहीं ये हरकत लग रहा है, but trust me, ये बहुत ही है बट ट्रस्ट में कुछ नया थियरी नया कॉन्सेप्ट नया क्वेश्चन का तुम नहीं चाहते हो तो एट द सेम टाइम जब ये तुम हाईलाइट वाईलाइट कर रहे हो तो प्लीज किताब को रेनबो मत बना देना सब कुछ हाईलाइट करने मत बैठ जाना ठीक है तीन चार पढ़ना देखना क्या इंपॉर्टेंट है सच में उसी को हाईलाइट करना यह भी अलग होता है देखा मैंने बच्चों का मतलब बोला लगता है कि ब्रश उठाया पेंट में डुबा के रंग दिया है वो सब नहीं करना भाई पढ़ने आप पढ़ाई करो आर्टिस्ट बनना है बनना होगा शायद बहुत लोग सिंगर ही बनना चाहते हैं तो सही बात है ओके okay, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट शुरू कि नोट्स कैसे बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे मन में आई है कि तुम कितना भी नोट्स बना लो कितना भी कुछ कर लो जब एग्जाम नजदीक होता है ना तो एक प्रॉब्लम तो हर बच्चे को आती वो है वो प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ समवन जो कि उस मोमेंट पे तुम्हारा हेल्प कर सके तुम्हारे सारे क्वेश्चन में जितने भी प्रॉब्लम तुमको आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में तुम्हारे सारे कॉन्प्ट को क्लियर करने में और ऐसे में जनरल क्या होता न, है ना कि एग्जाम का टाइम जब नजदीक होता है तो सारे टीचर्स बिजी होते हैं क्यों क्योंकि सारे लोग उन्हीं के पास जाते हैं अपना सारा दुख दर्द पीरा लेके साथ में तुम्हारे दोस्त जो होते हैं जो तुमको एग्जाम से पहले पढ़ा दिया करते थे वो बिजी होते हैं क्योंकि अब उनको अपना एग्जाम क्लियर

एक नया फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं सात आठ पेज छोड़ना उसके बाद शुरू करना तो ये थी छह ऐसी टिप्स जो कि मैं फॉलो करता था बट बोनस टिप्स के लिए रुक जाओ अभी अभी भाग क्या 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 तुरंत मतलब बोनस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है दुनिया में ठीक है मेरे हर वीडियो में लास्ट में मैं बोनस पॉइंट्स बताता हूँ वो देख के जाया करो तो बोनस पॉइंट्स का पॉइंट नंबर वन है कि तुमको अपना नोट्स खुद से लिखना है बहुत ओवर स्मार्ट लोग मैंने देखे हैं क्या करते हैं कोचिंग जाएंगे नहीं लेक्चर देखेंगे नहीं किसी टॉपर का नोट्स ले लेंगे अरे भाई टॉपर टॉपर इसलिए क्योंकि उसने अपना नोट्स खुद से लिखा है तुम खुद से नहीं लिखोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है खुद से लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है ना कि तुम उस नोट से फेमिलियर होते हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेमोरी का मेमोराइज करने का जिस चीज को तुम बार बार देखते हो तुमको याद हो जाता है तुमने कभी सोचा है कि जब तुमसे एग्जाम में पूछा था कि निजारो रिएक्शन तो जिस बुक से तुमने केनेजार रिएक्शन सबसे ज्यादा बार पढ़ा होगा ना तुम्हारे मन में ना एग्जाम हॉल में वो रिएक्शन का जो डेफिनेशन था वो फ्लैश होने लगता होगा अब अगर तुम बार बार उसी नोट्स को गो थ्रू करोगे बार 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 तो तुम्हारा नोट्स पूरे दिमाग में छप जाएगा अब तुम किसी और का नोट्स ले रहे हो तो तुम्हारा जो पहला लेयर था याद रखने का खुद से लिख के लिखने वाला वो तो खत्म ही हो गया ना तो पहला तो तुम एक एक कदम पहले ही पीछे हट गए तो इसलिए हमेशा खुद से नोट्स बनाना है ठीक है इससे तुम्हारा मेमोरी स्ट्रॉग होगा उस पर्टिकुलर चीज का एंड दूसरा क्लास में तुम अटेंटिव रहोगे जैसे मैंने बताया मेरे गानों के लिरिक्स तुमको याद नहीं आएंगे तुमको टीचर ने जो बोला वही एकदम अच्छे से तुमको याद रहेगा एंड तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुम सुनते हो तो एक लेवल पे याद होता है लिखते हो तो दूसरे लेवल पे याद होता है और किसी को पढ़ा देते हो तो तीसरे लेवल पे याद है तो किसी को तुम पढ़ा सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं ये नहीं कि भाई मैं पढ़ाऊंगा तो ये टॉप कर जाएगा फालतू चीजें हैं ठीक है तो पहले सुनो अच्छे से टीचर से लिखो यानी किसी बच्चे को जरूरत है नोट्स की तो उसको पढ़ा दो तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं फॉलो करता था मेरे बहुत सारे दोस्त फॉलो करते थे जेई प्रिपरेशन के टाइम ड्रॉप ईयर में एंड ड्रॉप ईयर से पहले भी और कॉलेज में आके भी हम बहुत सारे फॉलो करते थे अब देखो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि तुमने नोट्स तो बना लिया इतना सारा नोट्स बना लिया बट उसको याद

डाउट राइट नाउ मेरा जो सफर है वही मेरा घर है मुझे कोना दुनिया की है परवा मैं मुसाफिर चलता रहे तुम चाहे रुके टुके मुझे कोई भी यहाँ मेरे जो है सपन वही मेरे अपन मुझे कोना दुनिया की है परवा मैं मुसाफिर चलता रहे तुम